हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 3 मार्च 2018 की प्रीलिम्स अपडेटेड सीरीज में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू और पीआईबी की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो डिस्कस करेंगे। इसी के साथ कुछ एमसीक्यूज है वो भी हम यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हमारी डिस्कशन है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो न्यूज़ आई आज वो आई है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी के बारे में। तो इसके बारे में जो पॉइंट्स हैं वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात इसकी ही आती है कि नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है वो एक ऑटोनॉमस बॉडी है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, ऑटोनॉमस बॉडी है। इसके साथ इसका काम क्या है? इसका काम मेनली है कि एक एडवाइजरी फंक्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पर फोकस करती है। इसी के साथ ही सस्टेनेबल यूज की जो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं, संसाधन है, उनका किस तरीके से यूज करना है। इसके साथ उनका फेयर यूज होना चाहिए, मतलब उनकी किसी भी स्पीसीज वगैरह को लॉस नहीं होना चाहिए और उनका बेनिफिट हो, सबको मिले। ऐसा नहीं है कि बायोडाइवर्सिटी का बेनिफिट हो सब लोगों को नहीं मिले, इक्वल शेयरिंग वगैरह हो, ये सब इसका मेन काम है। तो ऑटोनॉमस बॉडी, ये चीज हमें यहाँ पे कुछ बेसिक पॉइंट है वो ध्यान रखने। इसी के साथ एक अहम पॉइंट आता है कि 2003 में इसे बनाया गया था। तो यूपीएससी से किसे पूछ सकती है कि रिसेंटली इसे बनाया गया था, रिसेंटली इसे स्टेबलाइज किया गया था, नहीं किया गया था। तो ध्यान रखना है कि भी 2003 में एक ऑटोनॉमस बॉडी के तहत मतलब एक्ट बनाया था प्रॉपर, और उसके तहत इसे बनाया गया था। काम से हमने डिस्कस किया। अब कंटेक्स्ट क्या होता है? कंटेक्स्ट एक्चुअली बात ऐसी है कि देखो, जो कुछ ओरानोमेंटल स्पीसीज होती हैं, ओरानोमेंटल स्पीसीज का मतलब ये होता है कि मेनली यहाँ पे आर्टिकल हुआ है ओरानोमेंटल फिश के बारे में। ओरानोमेंटल जो फिशेज होते हैं वो ये होते हैं जैसे सजावटी जो फिश होती हैं, जो कि हम यूज करते हैं कई बार सजावट वगैरह के लिए, जो फिश होती हैं उनकी बात आती है यहाँ पे, जो कि हम एक्वा वगैरह के लिए यूज करते हैं ना, उन फिशेज की। कि कुछ स्पीसीज ऐसी क्या होती हैं जो कि फॉरेन से इंपोर्ट की जाती हैं और फिर उनको हम यूज मतलब एक तरीके से सजावट वगैरह के तौर पर यूज करते हैं। तो अब इश्यू उसमें ये होता है कि जो सजावटी फिश हम यूज करते हैं, ओरनामेंटल जो फिशेज यूज करते हैं, उनमें कुछ है ना वो इन्वेसिव एलियन स्पीसीज भी आती हैं, IAS टाइप की फिशेज। इन्वेसिव एलियन स्पीसीज वो होती हैं जो कि किसी पर्टिकुलर एरिया या किसी स्पेशल एरिया के लिए काफ़ी नुकसानदायक होती हैं, मतलब वहाँ की बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुँचाती हैं। जैसे आप इसे एग्जाम्पल समझ सको, जैसे कि पूरे वर्ल्ड में डिफरेंट डिफरेंट फिश की स्पीसीज पाई जाती हैं, बट कुछ स्पीसीज रहती हैं कि जो इंडिया में पाई जाती हैं, कुछ हैं जो कि किसी दूसरे एरिया में पाई जाती हैं मेनली। तब होगा क्या कि कई स्पीसीज, जैसे हम फॉरेन से कोई ऐसी स्पीसीज लेके और वो इंडिया की जो स्पीसीज हैं उनको अगर खा जाती है, उनको नुकसान पहुँचाती है, तो वो यहाँ के लिए तो उससे काफी आक्रामक स्पीसीज हो गई ना, मतलब यहाँ की जो इंडिया की घरेलू फिशेज हैं उनको नुकसान पहुंचा रही। तो ऐसी स्पीसीज को कहते हैं इन्वेसिव एलियन स्पीसीज, मतलब जो कहीं दूसरे एरिया से आई हैं और जो उनका घरेलू एरिया है उसको वो नुकसान पहुंचा रही हैं फिशेज के, उनको कहते हैं इन्वेसिव एलियन स्पीसीज। मेनली फिश को लेकर तो फिश का पॉइंट है वो यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो अब देखो होता क्या है कि जो सजावटी फिश हम यूज करते हैं उनमें कई है वो आक्रामक टाइप की होती है, मतलब यहाँ की बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचाती हैं। तो गवर्नमेंट ने उन्हीं की लिस्ट जारी करने की बात की है कि भाई ये स्पीसीज हैं, इनका आप इंपोर्ट वगैरह मत करो, क्योंकि ये यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी उसको काफ़ी नुकसान है वो पहुंचा रही हैं, तो उसको लेके ये नहीं जाइए। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ और है, वो है सेंटर फॉर बायोडाइवर्सिटी एंड पॉलिसी एंड लॉ, ये CEBPOL। तो ये भी देख लेते हैं कि CEBPOL है क्या। ये मेनली है कि CEBPOL है वो मेनली एक इम्पोर्टेंट चीज़ में ये आती है कि यह गवर्नमेंट के द्वारा एक तरीके से सूची बनाई गई है। इसका काम मेनली ये होता है कि भाई जो भी फिश है ना उनकी प्रॉपर लिस्ट है, मतलब नेशनल सूची है एक तरीके से, डाटा वगैरह एक जगह रहे ताकि दिक्कत हो कि कौन सी स्पीसीज आक्रामक है और कौन सी स्पीसीज यहाँ का नुकसान नहीं पहुँचा रही है। तो उसके लिए IAS की लिस्ट है वो तैयार करती है। और क्या कही, यह मेनली जो CEBPOL है यह मेनली एक बायोलेटर कोलाब्रेशन है किस किसी बीच में, इंडियन गवर्नमेंट और नॉर्वे गवर्नमेंट के बीच में। तो यह ध्यान रखना है कि CEBPOL है जो कि सेंटर फॉर बायोडाइवर्सिटी एंड पॉलिसी एंड लॉ है, वो इंडियन गवर्नमेंट और नॉर्वे गवर्नमेंट के बीच में एक तरीके से MOU है, एक बायोलेटर संधि सी है, ट्रीटमेंट ऐसा है। इसका काम यह कि बायोडाइवर्सिटी की जो पॉलिसी एंड लॉ है उन पर यह फोकस करता है। तो यह जो कंप्लीट न्यूज़ थी वो हमने यहाँ पर डिस्कस की थी, क्या तो सारा सीन है और क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब चलते हैं हम अगली न्यूज़ की तरफ। अगली जो न्यूज आती है वो मेनली आती है एक रेलवे स्टेशन के बारे में, जिसका नाम है फिरंगीपुरम रेलवे स्टेशन। तो न्यूज ये है कि फिरंगीपुरम रेलवे स्टेशन है वो आंध्र प्रदेश का है, और यह आंध्र प्रदेश का पहला ऐसा रेलवे स्टेशन है जिसमें ऑल वुमेन स्टाफ है। तो देखो यूपीएससी ऐसे तो नहीं पूछने वाली हर स्टेट वाइज के अकॉर्डिंग, बट हमें यह ध्यान रखना कि इंडिया का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है जो उसमें फीमेल स्टाफ या वुमेन स्टाफ था, तो वो था महाराष्ट्र का माटुंगा। महाराष्ट्र के एक रेलवे स्टेशन का नाम है जिसका नाम है माटुंगा। ये माटुंगा रेलवे स्टेशन है वो इंडिया का पहला ऑल वुमेन रेलवे स्टेशन है, तो यह ध्यान रखना है। सेकंड नंबर पे था वो राजस्थान का गांधीनगर रेलवे स्टेशन जो कि जयपुर में आता है। इसके बाद तीसरा है वो है आंध्र प्रदेश में फिरंगीपुरम। तो ये हमें ध्यान रखना, मेनली हमें आंध्र प्रदेश का याद नहीं रखना है, हमें याद रखना है महाराष्ट्र का माटुंगा, क्योंकि वो इंडिया का पहला था। यूपीएससी स्टेट के अकॉर्डिंग मेनली इतना फोकस नहीं करेगी। अब चलते हैं आगे। अगली जो न्यूज आई है वो ये यूनाइटेड नेशन ब्रॉडबैंड कमीशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखो है क्या, इसमें दो तीन चीज आपको पहले बताता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि इसे यूनेस्को और ITU इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन
यूनेस्को को इन दोनों ने मिलकर इसे बनाया था। बनाया कब था? इसे मेनली बनाया गया था 2010 में। 2010 में देखो इसे स्टार्टिंग में यह बनाया था। आपको पता है कि 2015 तक एक अलग सीन था। 2015 तक मिलेनियम डेवलपमेंट गोल चल रहे थे MDG, तो 2015 तक मिलेनियम डेवलपमेंट गोल को जो पूरा करना था उसी में प्रोग्राम रखा गया था कि भाई ब्रॉडबैंड है वो हर जगह तक एक्सेस देनी है। तो 2015 तक का जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल चल रहे थे उसमें ब्रॉडबैंड की कनेक्टिविटी पूरा करने के लिए इस प्रोग्राम को चलाया गया था। उसके बाद हुआ क्या, जब मिलेनियम डेवलपमेंट गोल पूरे हुए 2015 में, उसके बाद इसका नाम, इसको थोड़ा वापस चेंजेस वगैरह कर दिया, उसका नाम हो गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की तरफ फोकस कर दिया। इसीलिए इसमें बाद में जोड़ दिया कि यूनाइटेड नेशन ब्रॉडबैंड कमीशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब SDG गोल का जो टारगेट पूरा करना है ब्रॉडबैंड वाले क्षेत्र में, उसके लिए बनाया। स्टार्टिंग में सबसे पहले इसीलिए गया था ताकि डिजिटल जो डेवलपमेंट करना है पूरे वर्ल्ड में उसको फोकस करने के लिए। तो यह मैं, इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। जो यूनाइटेड नेशन ब्रॉडबैंड कमीशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, ऑब्वियसली यूएन का तो समझ गया कि यूएन से लिंक है। इसके बाद में इसकी एक रिपोर्ट भी जारी होती है ईयरली, उसका नाम है स्टेट ऑफ ब्रॉडबैंड। तो ये यूपीएससी पूछ सकते हैं भाई स्टेट ऑफ ब्रॉडबैंड रिपोर्ट कौन जारी करता है, वो जारी करता है यूनाइटेड नेशन ब्रॉडबैंड कमीशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। काम क्या है? काम ये है कि भाई जो इंटरनेट और ब्रॉडबैंड वगैरह से जो भी पॉलिसी एजेंडा होती है उन पे फोकस करता है। किसके द्वारा इसे बनाया गया था? वो बनाया गया था यूनेस्को और ITU। क्यों बनाया गया था? डिजिटल डेवलपमेंट के लिए, ये कुछ बेसिक थी। इसी के साथ हम ITU के बारे में देखते हैं, इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन के बारे में देख लेते हैं, और यूनेस्को के बारे में भी कुछ थोड़ा देख लेते हैं। ITU है वो UN की एक स्पेशलाइज एजेंसी है, ये हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। काम क्या है इसका? इसका काम मेनली है कि भाई जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है ना पूरे वर्ल्ड में, ग्लोबल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, उनको लेकर आपस में सहयोग करना, आपस कोलैबोरेशन वगैरह करने का इसका काम है। और इसी के साथ एक बात यह है कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ग्रुप है उसका भी है पार्ट है। तो यह ध्यान रखना है कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ग्रुप है उसका पार्ट कौन है? ITU उसका पार्ट है। और मेनली इससे देखो जो बनाया गया था ना ITU, वो बनाया गया था 1865 में, मतलब जो UN बना था उससे पहले इसे बना लिया गया था, उसके बाद में यह पार्ट बन गया था। जिस प्रकार ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है वो पहले ही बन गया था UN से, बट उसके बाद वो एक UN की स्पेशल एजेंसी हो गई थी, सेम उसी प्रकार उसका सीन है। अब चलते हैं आगे, अगला है वो यहाँ पे देखते हैं यूनेस्को के बारे में। यूनेस्को का सीन क्या है? ऑब्वियसली UN का तो एक स्पेशलाइज एजेंसी है, इसमें तो हमें कोई कंफ्यूज नहीं है। काम क्या है इसका? एजुकेशन के सेक्टर में काम करना है, साइंटिफिक सेक्टर में काम करना, रिसर्च वगैरह काफी सारे सेक्टर्स में काम करना है। मेन मोटो इसका घुमा फिराएगा आप ये कह सकते हो कि शांति और सिक्योरिटी के लिए पूरे विश्व में है आगे प्रयास है कार्यरत करता है, मतलब शांति और सिक्योरिटी बनाए रखने के लिए फोकस करता है, ये इसका बेसिक काम है। अब चलते हैं हम आगे, अगली जो न्यूज आई है वो आई है कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स CATS पार्टनरशिप। तो देखते हैं न्यूज क्या है पहले, और फिर हम सारा जो माजरा है वो समझने की कोशिश करते हैं। तो एक एक करके जो भी सारे पॉइंट्स है वो देख लेते हैं। देखो सबसे पहले तो देखते हैं कि CATS है क्या, CATS पार्टनरशिप है सीन क्या। CATS पार्टनरशिप वो एक तरीके से क्राइटेरिया, एक मापदंड, एक स्टैंडर्ड है जो का क्या काम करते हैं। उनका काम मेनली होता है कि भाई जो भी पूरे वर्ल्ड में टाइगर साइट्स है ना उनको चेक करने का एक तरीके से अधिकार है कि भाई CATS पार्टनरशिप का मतलब ये होगा, क्राइटेरिया है कि टाइगर साइट्स हैं पूरे विश्व में कहीं भी उनको चेक किया जा सकता है, उनको चेक करने की अनुमति देता है कि कंजर्वेशन वहाँ पे किस तरीके से हो रहा है, मतलब उनका संरक्षण हो रहा है नहीं हो रहा है, फालतू की आप लोगों ने बना के रखे नहीं रखा। इसी के साथ ही CATS है वो डेवलप किया गया था WWF एंड ग्लोबल टाइगर फोरम के द्वारा। तो यह ध्यान रखना कि CATS मतलब टाइगर एश्योर्ड और टाइगर जो स्टैंडर्ड्स हैं पार्टनरशिप, यह डेवलप किए गए थे WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड और इसी के साथ ग्लोबल टाइगर फोरम दोनों के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। है क्या? एक स्टैंडर्ड है जो कि टाइगर साइट्स को चेक करने की अनुमति देते हैं कि भाई आप जाओ और टाइगर साइट्स को कंजर्वेशन देख सकते हो कि किस तरीके से वहाँ पे कंजर्वेशन हो रहा है नहीं हो रहा। इसी के साथ CATS का एक अहम काम ही है कि भाई टाइगर्स की जो पॉपुलेशन है वो डबल करनी है, TXT × 2, मतलब टाइगर की पॉपुलेशन डबल करनी है। कब तक? 2013 में से स्टार्ट किया गया था और 2022 तक इसका टारगेट रखा गया है। देखो 2022 तक का पूरे वर्ल्ड में सभी गवर्नमेंट से काफ़ी सारे टारगेट्स रखे हैं, जैसे इंडिया में तो किसानों की इनकम डबल करना, इसके साथ बहुत सारे टारगेट्स हैं और भी। तो पूरे वर्ल्ड में 2022 को काफ़ी एक तरीके से बहुत सुपर ईयर की तरह देखा जा रहा है। तो यह ध्यान रखना कि इसमें क्या क्या टारगेट्स रखे गए टाइगर्स की पॉपुलेशन वगैरह से। अब देख लेते हैं न्यूज़ क्या थी। न्यूज़ ऐसी थी कि इंडिया की जो टाइगर कंजर्वेशन जो साइट्स है ना उनको एक्चुअली भी देखा गया था, इंडिया की जितनी भी टाइगर कंजर्वेशन की साइट है मेनली सारा डाटा हमें याद नहीं रखना है। तो इसमें ये चीज़ सामने निकल के आई कि भाई 13% जो टाइगर कंजर्वेशन है ना इंडिया में उनको केवल ग्लोबल स्टैंडर्ड मिले हुए हैं, मतलब 13% इंडिया की साइट ऐसी हैं जिनको प्रॉपर स्टैंडर्ड वगैरह के तहत फॉलो किया जा रहा है कि हाँ वहाँ पे काम सही चल रहा है। इसके अलावा बाकी जो भाग है 1/3 भाग है टाइगर साइट्स का वो तो पूरा खतरे में ही है, मतलब वो तो बहुत ज़्यादा खतरे में है।
इश्यू क्या है, इश्यू सबसे बड़ी बात एक तो सिक्योरिटी का और एक पेट्रोलिंग का, कि सिक्योरिटी नहीं है प्रॉपर और एक पेट्रोलिंग वगैरह का रास्ता नहीं है, तो टाइगर्स वगैरह के जो नेशनल पार्क वगैरह वहाँ पे उनकी पेट्रोलिंग वगैरह नहीं हो रही, तो इसकी वजह से खतरा वो बढ़ता जा रहा है। ये सारा सीन था जो हमने डिस्कस कर लिया। तो यूपीएससी पूछ सकते हैं CATS के बारे में, CA/TS है क्या, तो वह है क्या, वो मेरे लिए क्राइटेरिया जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। अब आगे एक छोटी सी न्यूज और थी, वो आया था मेनली फुगेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर बिल 2018, तो इसको अभी कैबिनेट के द्वारा अप्रूवल मिल गया, अनुमति मिल गई है। मतलब भगोड़ा जो आर्थिक भगोड़े होते हैं ना, उनको एक तरीके से अपराध घोषित करने का एक बिल था, वो घोषित किया लेके आया गया था पार्लियामेंट में, और वो अब गवर्नमेंट लेके आई है, तो इसको लेके न्यूज आई है। क्या इस बिल में क्या प्रावधान है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। देखो बात ऐसी है कि काफ़ी टाइम से, एक बार पहले विजय माल्या काफ़ी सारे पैसे थे इंडिया के बैंकों के, वो लेके भाग गए, इसके बाद में नीरव मोदी का कैसा, इसके बाद में रोटोमेक कंपनी का, तो मतलब बैंकिंग सेक्टर में घोटाले के बाद एक घोटाला सामने आ रहा था। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि भाई इनको अगर लगाम नहीं लगाएगी तो हमें काफ़ी दिक्कत हो सकती है, इसलिए गवर्नमेंट ने जो पहले के एक्ट बने थे उनमें काफ़ी कुछ खामियाँ थी कि भाई जो भी विलफुल डिफॉल्टर्स हैं इनके ऊपर लगाम नहीं लगाई जा रही थी, इसीलिए गवर्नमेंट है नया बिल लेके आई है जो कि इकोनॉमिक भगोड़े हैं ना इनको अपराध घोषित किया जा सके। इसके लिए बिल इसमें ये प्रावधान किए गए हैं कि भाई जो भी विलफुल डिफॉल्टर है ना उनके ऊपर लगाम लगा दी जाएगी, वो देश वगैरह छोड़ के नहीं जा सकेंगे, उनके काफी सारी रिस्ट्रिक्शन हो जाएंगी। इसके साथ ही एक मेन काम ही होगा कि उनकी जो डायरेक्ट और जो इनडायरेक्ट जो प्रॉपर्टी है ना वो सारी प्रॉपर्टी जब्त हो जाएगी। यह इसमें एक इंपॉर्टेंट प्रावधान किया गया। पहले क्या था कि जो उनकी प्रॉपर्टी जैसे उनके रिलेटिव वगैरह के नाम पे कर दी जाती थी जानबूझ के, मतलब वो क्या करते थे भगोड़े कि अपनी प्रॉपर्टी है वो अपने घर वालों के जैसे अपने बेटी के नाम कर दी, अपने बेटे के नाम या अपनी वाइफ के नाम, किसी और के नाम अपनी प्रॉपर्टी कर देते अपने रिलेटिव में और फिर भाग जाते थे। तो गवर्नमेंट ने ऐसा कर दिया कि भाई उनकी जो संपत्ति वो डायरेक्ट किसी के पास हो या इनडायरेक्ट किसी के पास हो सारी प्रॉपर्टी उनकी जब्त की जाएगी। बस इसमें एक प्रावधान किया गया है कि इसके जो ये बिल आया है इसमें उसी को अपराधी घोषित किया जाएगा जिसने 100 करोड़ से ज्यादा का टर्न हो या 100 करोड़ से ज्यादा का घफला वगैरह फ्रॉड वगैरह की है उसके लिए। इसके साथ ही एक मेन प्रावधान ये किया है कि एक स्पेशल कोर्ट्स का निर्माण किया जाएगा ताकि उसको भगोड़ा घोषित किया जा सके और इसकी वजह से डिले ना हो, क्योंकि देखो कई बार क्या है कि कोर्ट में काफ़ी डिले हो जाता है जिसकी वजह से भगोड़े लोग हैं वो दूसरी कंट्री में भाग जाते हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने स्पेशल कोर्ट के प्रावधान की बात की है ताकि मनी लॉन्ड्रिंग का केस उस स्पेशल कोर्ट में जाए और मामला जल्द से जल्द खत्म हो जाए, मामला जल्द से जल्द एक तरीके से निपटारा किया जा सके। मतलब भगोड़े जो लोग हैं विलफुल डिफॉल्टर्स हैं उन पे लगाम लेके लाने के लिए गवर्नमेंट एक नया बिल लेके आई है। तो कुछ बेसिक पॉइंट्स से वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। अब चलते हैं हम आज के कुछ क्वेश्चंस की तरफ। कल हम एक्चुअली कुछ क्वेश्चंस वो डिस्कस नहीं कर पाए थे। आज का पहला क्वेश्चन ये है, वो है सौजल योजना के बारे में। सौजल योजना क्या है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन आपको ये है कि सौजल योजना है वो क्या राजस्थान में स्टार्ट की गई थी, पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ये है कि सौजल योजना में क्या समुदाय द्वारा संचालित ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम है या नहीं है। तो आपको बताना कि दोनों स्टेटमेंट से कौन सा सही है कौन सा गलत है। देखो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि राजस्थान से सौजल योजना का निर्माण है वो किया गया था। दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, सौजल योजना में ये प्रावधान किया गया है कि भाई जो कम्युनिटी है जो समुदाय है ना वो खुद गवर्नमेंट उनको एक बार प्रोजेक्ट स्टेबलाइज कर देगी, 90% फंड वो गवर्नमेंट देगी, 10% फंड वो कम्युनिटी आपस में कलेक्ट करेगी, उसके बाद में एक बार जो सारा मेंटेनेंस वगैरह का सारा काम है वो कम्युनिटी करेगी, रख रखाव देख वगैरह का सारा काम। और मैंने राजस्थान में करौली डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट किया गया था, यही प्रावधान इसके जो देखिए कि भाई ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी अवेलेबल करवाने के लिए इसका निर्माण है वो किया गया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, वो है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में। तो पहला ऑप्शन इसमें यह है कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। सेकेंड ये है कि इसका मेन काम हुआ है वाइल्ड लाइफ रिसर्च एंड कंजर्वेशन पे फोकस करती है। तो आपको बताने कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है। देखो पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत है और हमें जल्दबाजी में यहाँ पे इसको सही कर भी सकते हैं, तो ये ध्यान रखने में पहला ऑप्शन गलत इसलिए है कि वाइल्ड लाइफ जो इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया है वो मेनली एक स्टेचुरी बॉडी है ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो होती है जिनका संविधान में पहले से उल्लेख हो, भाई संविधान बनाया था उस टाइम पे, ये ध्यान रखनी है। स्टेचुरी बॉडी वो होती है जो कि संवैधानिक लॉ के तहत बनाई जाती है, मतलब प्रॉपर उनके लिए एक्ट होता है उसके बाद उस बॉडी को निर्माण होता है, वो होती है स्टेचुरी बॉडी। तो यह डिफरेंस हमें ध्यान रखना है। इसके साथ ही हम कल की डिस्कशन पे भी एक दो क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लेते हैं। पहला आप ये चलो ये बताइए, ये आपको कमेंट बॉक्स में ही बताना है क्योंकि कल हमने डिस्कशन की स्टार्ट की थी तो उसके लिए जैसे ही। पहला ये है जो एक लमाते एक्सरसाइज थी, लमाते एक्सरसाइज 2018, यह किन किन कौन कौन सी कंट्रीज के बीच में थी, ये आपको बताना है। इसके साथ ही आपको ये बताना है कि जो रिंग टेल्ड जो लूमर्स थे जिनके बारे में हमने कल डिस्कस किया था, रिंग टेल्ड जो लूमर्स थे वो मेनली अफ्रीका में ही पाए जाते हैं, ध्यान रखना वो मेनली ओनली अफ्रीका में ही पाए जाते हैं। और सेकंड स्टेटमेंट की है कि है IUCN की क्रिटिकली इंडेंजर्ड लिस्ट में शामिल है। तो आपको बताना कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है। तो फिलहाल आज की डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।